सो यू वॉच द वीडियो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जैसे आज मेरी तड़कती भड़कती इंट्रो नहीं कर रहा मैं बहुत ही शांत स्वभाव में बहुत ही डेंजरस बिगनिंग कर रहा हूँ, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं रियल घोस्ट कॉट ऑन कैमरा। लाइक इसका हमने एक पार्ट पहले भी डाला था एंड उस पर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया, तो मुझे पता चला कि लाइक यू गाइज आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन सीइंग असली भूतों को बिना मेकअप के। अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को देख लो तुम्हें भूतनी तो दिखी जाएगी। I'm so sorry. This is a horror video. तो हम decorum maintain करेंगे horror video का। और guys जल्दी जल्दी जाओ अपने अपने popcorn grab कर लो और we are gonna start. बाकी you guys know Ranjha coming soon. Our new track love song बहुत amazing होने वाला है, तो उसके बारे में करते हैं video के end में बात। Let's begin this horror video. क्लिप को एक खूबसूरत महिला ने रिकॉर्ड किया था जो कि अपने साथ हुए हादसे के बारे में अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर रही होती है। यार उस महिला का ये कहना था कि वे एक दिन जब वह अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बना रही होती है तब उस वीडियो के बैकग्राउंड में एक शैडो फिगर नजर आती है। अरे कोई है भाई, ये कोई कौन है ये पीछे इसके? उन्होंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि वो उस वक्त जब ये रिकॉर्ड कर रही थी फिल्म तो वो अकेली थी, तो ये पीछे कौन है भाई? कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि तुमने कोई फोटो खींची हो या फिर कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो और एकदम से तुम्हें पता चले कि भाई पीछे उसमें कोई था? बट यार भूत वूत तो मतलब ऐसे हमें बता देते ना कि वो कैमरे में नहीं आते, शीशे में नहीं आते। भाई साहब फट जाए मेरी तो ऐसे में कोई वीडियो देख लू तो। शिट भाई, ऐसे काले कपड़े लंबे लंबे बाल लटक रहे भाई। होली शिट भाई, माय गॉड, ये वीडियोस करने का ना मेरे को टेंशन होती है। ये वीडियो एक हॉस्पिटल में रिकॉर्ड किया गया था जिसमें हॉस्पिटल का गार्ड जब उस हॉस्पिटल का राउंड लगा रहा होता है तब वे गार्ड एक अलग ही अजीब सी चीज को वहां नोटिस कर लेता है। खैर सबसे पहले तो इस क्लिप को देखते हैं। भाई क्या हो रहा है? अबे वहां कोई है ही नहीं, बेड के अंदर से कोई हाथ पांव कैसे आ सकते हैं बाहर? तो ये एक सिक्योरिटी गार्ड ने, एक गार्ड ने रिकॉर्ड करा है कि वो जब राउंड ले रहा था तो ऐसे हॉस्पिटल बेड के अंदर से ऐसे हाथ पांव आ रहे हैं। भाई ये कितना डेंजरस है यार, क्रेजी मैन, लाइक लिटरली हॉरर पिल्स ये चैनल है भाई का, बहुत अमेजिंग है, मस्त वीडियोस लेके आता है, बट मेरी तो फाड़ देता है भाई बंदा। नेक्स्ट नेक्स्ट। इस वीडियो क्लिप में एक शख्स को दिखाया जा रहा होता है जिसे अपने ही घर में कई स्ट्रेंज नॉइज सुनाई दे रही होती है और इन आवाज को सुनने के बाद ऐसा लग रहा होता है मानो उनके घर में उनके अलावा कोई और भी मौजूद हो। तो बेसिकली वो अकेला है घर पे, और ये हमेशा हादसे तभी क्यों होते हैं जब अकेले होते हैं लोग घर पे? यार मैं अभी मम्मी पापा है, अकेला होऊंगा तो कभी रिकॉर्ड नहीं करूंगा ऐसे हॉरर वीडियोस। आओ नॉइज सुनते हैं। ओ क्या सीन है भाई ये? भाई ये तो ऐसा ना लगा कोई आत्मा पीछे से मुड़ी, तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है। तो क्या आखिर में ये कोई गोस्ट फिगर हो सकती है जो उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास? एक सेकेंड, ये लाइट कैसे ऑन हुई? अच्छा लाइट ऑन हुई, आखिर में ये कोई गोस्ट फिगर हो और ये पीछे को हो रहा है भूत? भाई बहुत डेंजरस है यार। मतलब टेल मी वन थिंग ट्रूली गाइस, अगर आपने कभी ऐसा अपने घर में फिगर देखा तो आप लोग क्या करोगे? मैं हार्ट फेल हो जाए मेरा मैं गायब हो जाऊंगा भाई। एक आवाज सुनना अलग होता है पर लिटरली उसको देखना आंखों से ना। फोन द्वारा मजाक में मकड़ियों के जालों का वीडियो बना रहे होते हैं, वे एक ऐसी विचित्र चीज को भी फिल्मा लेते हैं जिस पे उस शख्स का ध्यान तो पड़ा ही नहीं था। खैर अब आप लोग इस क्लिप को देखिए। मजाक में भी स्पाइडर्स को कौन रिकॉर्ड करता है? ये बंदा स्पाइडर्स को रिकॉर्ड कर रहा है और इसको भूत दिख गया। किस्मत ही झंडू है, क्योंकि होनी है किस्मत झंड, क्यों होगी? स्पाइडर को कौन रिकॉर्ड करता है भाई? आओ भाई भूत देखे। भाई मेरे को ऐसा लगा पीछे गेट के पीछे है कोई। वीडियो में कोई उस अंधेरे के बीचों बीच हाँ, उस शख्स को घूरता हुआ नजर आ रहा होता है जिसकी आंखें तो चमक रही होती है ऐसे कि मानो वो काफी ज्यादा गुस्से में हो। ब्लैक वोल्डेमॉर्ट लग रहा है मुझे तो भाई, चपटा बिल्कुल चेहरा। वे लोग इस मकसद से यहाँ आए थे कि उन्हें यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखने को मिलेंगी,
पर इसके बदले उन लोगों को यहाँ पर कुछ अलग ही चीज। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखने कोई क्यों जाएगा, क्यों इतना इंटरेस्ट लेते हैं लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखने के लिए? बट आई रियली विश वंस इन माय लाइफ आई ना वांट टू, मैं अकेले एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता, गोस्ट हंटर्स के साथ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। मतलब अगर कोई गोस्ट हंटर ये देख रहा है तो डू टेक्स्ट मी, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ चलेगा भूत देखने। अभी तो बोल रहा हूँ, जब अप्रोच करोगे तो मना कर दूंगा। के दर्शन मिल जाते हैं। What the hell? ये क्या बकवास है भाई? What? Bro, what is that? अबे इसके टांगे कैसी हैं? एक एक सही है, एक थोड़ी टेढ़ी है। यार पीछे इतना हॉरर म्यूजिक डाला हुआ है। Bro, where's my ghost meter? Oh my god, I forgot it in the car. Bro, I forgot it in the car. एक सेकंड, तुमने भूत देखा? तुम भूत की तरफ क्यों जा रहे हो? उल्टा भागो ना। ये क्या कर रहे हैं? Yo, my camera's going blurry. भाई कैमरा ब्लर हो गया। Yo, what the frick is that thing? Hello? Oh my god, bro, what the? ओए 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 ओए। भाई साहब, भूतनी छड़ी लेके लंगड़ी चल रही है। मतलब भूतनी तो ड्रावनी थी, पर मैं अब जब दिमाग लगा रहा हूँ कि वो छड़ी लेके लंगड़ी चल रही है, भूतनी क्यों भागेगी? मतलब अगर मैंने किसी अनवांटेड फिगर को देखा तो मैं भागूंगा ना, वो अनवांटेड फिगर को तो मेरे को खाना चाहिए, वो क्यों भागेगा? मैं कोड अपनी टीम के साथ नजर आ रहे होते हैं और वे एक खंडर सी जगह को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। कोड एक अनएक्सपेक्टेड क्रीपी चीज को भी अपने कैमरा में कैप्चर कर लेते हैं। कोड तो हर बार, मतलब बहुत वीडियोस हैं इसकी, ये मेरे हिसाब से घोस्ट हंटर ही है भाई, पोर्चुगीज का। ब्रो 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 ब्रो, गौरव जोन जैसा भूत है ये तो। मतलब गौरव जोन भूत नहीं, गौरव जोन ने भी एक वीडियो में ऐसा व्हाइट कलर का भूत ढूंढा था। ये स्क्रिप्टेड है, आई डोंट बिलीव दिस, प्लीज डोंट टेल मी ये उठ के भाग रहा है। यार ये नंकली बाल लगा के भूत बिठा देते हैं व्हाइट कलर की चद्दर उड़ा के, कम ऑन मैन। यार भूत अगर दिखेगा तो भूत तुम्हारे पीछे भागेगा, कुछ होगा ना, मतलब यार। ये मैं अपने आप को दिलासा देने के लिए बोल रहा हूँ, ये सच भी हो सकता है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। अबे भूत ऐसे झूम क्यों रहा है वे? ये जैसे अभी हमारा रांझा गाना आने वाला है, तो ये रांझना हुआ मैं तेरा। भूत अलग मजे ले रहा है। डांस डांस भूत डांस, डांसी करो डांसी। अबे ये कितना डरावना भूत है बे। एक बार इसकी वॉक देखो भूत की, लगा व्हाइट शक्ल है उसकी, डॉगी की तरह तो चल रहा है चार पैरों पे। ये क्या खाएगा? ये भूत क्या खाएगा? आज मैं भूत को रोस्ट करेगा। भग गया भूत, भग गया भाई, भगवान कसम पीछे से निकला ना तो पैंट में सुसु कर दू। मजाक सेट के भाई। ब्रो डोंट टेल मी यार भूत पीछे से निकले। नहीं यार मेरे को अब थोड़ा डर लग रहा है, मतलब वो सडन इफेक्ट्स जो आते हैं ना वो बहुत डेंजरस होते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं बता क्या सोच रहा हूँ, उसने 150 रुपए दिए थे भूत को एक्टिंग करने के लिए, पैसे खत्म हो गए थे, भाड़ा खत्म हो गया था, इसलिए इतना ही दिखाता। अगर 150 और देता ना तो पीछे से निकलता और फिर वो वीडियो डेंजरस हो जाती भाई। ओके तो लास्ट वीडियो फॉर टुडे, लेट्स गो। एक टिकटॉक यूजर जिनका नाम अलेक्जेंडर था, वह अपने टिकटॉक फैमिली से ये टिकटॉक वालों को इतने भूत क्यों मिलते हैं? टिकटॉक वालों की जिंदगी में ही भूत आते हैं और एक यूट्यूबर वालों की जिंदगी में एक्सीडेंट होते हैं। मेरी नई गाड़ी पे ये हुआ, मेरी नई गाड़ी पे वो हुआ, मजाक सड़ के। हमेशा स्लीप वॉक करने के दौरान अपने सर एक खतरा मोड़ ले लेते हैं। खैर इन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हुए ऐसे कुछ वीडियो को भी अपने टिकटॉक अकाउंट पर पब्लिश किया था, जहां एलेक्स तो अपनी नींद में चलते हुए नजर आ रहे होते हैं, पर वे बिल्कुल अकेले नहीं थे, बल्कि कोई सुपर नेचुरल पावर उन्हीं के साथ उनके ही घर में मौजूद थी। खैर इसके बाद एलेक्स एक सुबह ये देखने के लिए उठते हैं कि उनके घर में कौन ऐसी चीज मौजूद है जो उनके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। बदले में एलेक्स के घर में लगे सीसीटीवी कैमरा में आखिर क्या रिकॉर्ड होता है, चलिए इस क्लिप में देखते हैं। ओके तो इसने अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं एंड ही हैज अ हैबिट फॉर स्लीप वॉकिंग। ठीक है, स्लीप वॉकिंग इज लाइक नींद में जो चलता है इंसान, उसको खुद होश नहीं होता कि वो मैं अकेला चल रहा हूँ। तुम देख लो, ये कह रहा है कि कुछ लफड़ा चल रहा है। आई मूव्ड आउट ऑफ माय लास्ट अपार्टमेंट बिकॉज़ आई थॉट इट वाज हॉन्टेड। ओ भाई ये कैसे हो सकता है ऐसा?
वो जब नींद में चल रहा है तो निकल गया। वो कह रहा है मैं स्वेटर पहन के नहीं गया था सोने, बट जब मैं उठा तो मैं स्वेटर पहन रहा था, पहना हुआ था, और मैं स्वीडन में बात कर रहा था किसी से, जिब्रिश में बात कर रहा था किसी से, एंड अपने आप चीजें वहां हिल रही हैं घर के अंदर। भाई साहब घर में सीसीटीवी कैमरा लगाना भी बड़ा डेंजरस है यार। अब इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीयों को देखकर तो ये जरूर कंफर्म हो चुका था कि उनके घर में किसी ने जरूर कब्जा कर लिया है। इसके अगले कुछ महीने सब कुछ नॉर्मल सा चल रहा होता है, पर एक दिन एलेक्स के घर के सामने वाले लोग एक अलग ही क्रीपी चीज को एलेक्स के घर के अंदर नोटिस कर लेते हैं। मतलब तुम समझ रहे हो अब तक क्या हुआ है? उसका पिछला घर भी हॉन्टेड था जिसकी क्लिप्स थी, ये वाला घर भी हॉन्टेड निकला, और ऐसा वो कहना चाहता कि उसके पीछे कोई पड़ा हुआ था। तो उसके उसने माना नहीं ये सारी चीजें, बट अब उसके नेबर्स दिखे और नेबर्स ने ये वीडियो रिकॉर्ड करी है उसके घर के बाहर। एक क्रीपी लेडी जिसको देख के मेरी हवा टाइट हो रही है, वो उसके घर के बाहर थी और वो खुशी से रिकॉर्ड हो रही है, स्माइल भी कर लेती। अब क्या वे जो भी महिला थी, क्या वे एक घोस्ट फिगर थी और उसके मकसद ये घोस्ट फिगर नहीं लग रही है? ऐसा लगाना तो काफी मुश्किल है, पर आप लोग क्या विचार करते हैं इस बारे में? क्या वे सच में कोई घोस्ट फिगर हो सकती है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। है यही वो कर रही होगी काम उसके बेचारे एलेक्स के घर में, बेचारा सीसीटीवी लगा के बैठा हुआ है। Alright guys, this is it for today's video. This was it for Ghost caught on camera. If you want next part, give this video 1 lakh likes. Or Ranja coming soon on Fukra Insan main channel, and you're gonna love it because usme bhai ne kara ek mast Punjabi mein pyara sa rap. Milte hain agli video mein. Thanks for watching.